नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, रेलवे का जितना भी एग्जाम्स है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड दो टाइम हम लोगों का लाइव डाउट सेशन होता है, एक मॉर्निंग के 10 बजे, इवनिंग के 9 बजे। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट या डिमांड या क्वेरी हो रहा था कि सर रेलवे के एनटीपीसी की परीक्षा कब होगी, इसके बारे में बताइए, पहले ग्रुप डी होगी या पहले एनटीपीसी होगी, इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और कल हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था ग्रुप डी के ऊपर, जिसमें कि एक वायरल नोटिस भी हो रहा था, इसको हमने बताया था कि वो कम्प्लीटली नोटिस जो है फेक है, अभी भी ग्रुप डी का नोटिस डेट रिलीज नहीं हुआ है। हाँ, हम लोगों ने एक्सपेक्टेड डेट जरूर आपको बताया था कि आपका एग्ज़ाम कब होने का चांसेस है। तो अभी हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के बारे में कि आखिर रेल अधिकारियों ने क्या कहा है परीक्षा तिथि के बारे में। कल भी हम लोगों ने जो ग्रुप डी का एक वीडियो बनाया था जिनका रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें भी रेल अधिकारियों का जवाब आया था, पेपर वालों ने बात किया था। तो अभी अखबार वालों ने रेल अधिकारियों से बात किया एनटीपीसी परीक्षा को लेकर के, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बस इस वीडियो का आप लास्ट तक बने रहना, हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर क्या कहा है अखबार ऑफिशियल्स ने। ऑफिशियल के जवाब को चेक करने के लिए आपको आ जाना होगा फ्रेंड्स वन इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, oneindia.com, ठीक है। इनका एक आर्टिकल है, ठीक है, होम न्यूज होम पेज में आना, फिर न्यूज़ वाले सेक्शन में जाना, फिर न्यू दिल्ली वाले एडिशन में आ जाना। आरआरबी एनटीपीसी 2019 एडमिट कार्ड लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट, ठीक है। स्क्रूटनी ऑन अनाउंसमेंट सून, मतलब स्क्रूटनी जो है सो कि एप्लीकेशन का, जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम का मतलब कि नोटिस एडमिट कार्ड आने से पहले उसका मतलब कि स्टेटस रिलीज किया जाता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ, तो उसके लिए क्या होता है पहले स्क्रूटनी किया जाता है। मान लो कि इसे मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होना या रिजेक्ट होना है, तो अभी उनका स्क्रूटनी चल रहा होगा। मान लो कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट होना है, तो वो वहाँ पे स्क्रूटनी में पता चल गया कि मेरा रिजेक्ट हो गया। बस क्या करेंगे, जब सारे बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन वो डेट निकाल देंगे कि आप इस डेट को अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। तो उस दिन जैसे ही मैं स्टेटस चेक करूँगा तो बता दिया जाएगा जो एप्लीकेशन है रिजेक्टेड। तो ये स्क्रूटनी प्रोसेस जो है छटनी का कार्यक्रम जो है जारी है, अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल किनके द्वारा तैयार किया गया है, आपका विकास अय्यप्पा जी के द्वारा किया गया, 13 सितंबर का आर्टिकल है, फ्राइडे का 12:36 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में अपडेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जो हमारे काम का न्यूज है। न्यू दिल्ली 13 सितंबर, द आरआरबी एनटीपीसी 2019 एडमिट कार्ड विल बी रिलीज सून, द सेम वंस रिलीज विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब इनका ये कहना है कि एडमिट कार्ड जब भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, और जब भी रिलीज होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। ऑफिशियल सेज दैट वेयर सेज दैट वाइल देर इज नो कन्फर्म डेट एज येट, द एडमिट कार्ड एंड एग्जाम डिटेल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी रिलीज बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। मतलब उनका कहना है कि डेट तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो गए होंगे तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे होंगे कि आप ये बताइए कि एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एडमिट कार्ड जो है सो कि एडमिट कार्ड और एग्जाम का डिटेल जो है सो कि इस मंथ के एंड में, यानी कि सितंबर के एंड में जो है सो कि आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कहा क्या बोर्ड के ऑफिशियल्स ने, और क्या कहा है, बोर्ड ऑफिशियल्स सेज दैट वाइल द डेट हैज़ नॉट बीन फिक्स, द स्क्रूटनी ऑफ द आरआरबी एनटीपीसी स्टिल ऑन एंड द प्रोसेस में ओनली बिगिन इन अक्टूबर, ऑफिशियल हैव सेड। मतलब कि स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है सो कि ऑन है, और ये प्रोसेस जो है सो कि ओनली बिगिन इन, ये केवल अक्टूबर में ही बिगिन होगा, ऑफिशियल हैव सेड। आगे, द आरआरबी जेई सेकेंड स्टेज एग्जाम बिगेन ऑन 28 अगस्त एंड एंडेड ऑन 8 सितंबर 2019। हालांकि ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, 1 सितंबर को ख़त्म हुआ था, 28, 29, 30, 31। द आर आर बी एन टी पी सी प्रोसेस वुड कमेंस ओनली आफ्टर द ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन आर कम्प्लीटेड, ठीक है। द प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली टू कमेंस ओनली इन अक्टूबर 2019। इनका कहना है कि मतलब ये प्रोसेस जो है सो कि अक्टूबर 2019 में स्टार्ट होगा। द आर आर सी सीजन 1 2019 ऑफ ग्रुप बी रिक्रूटमेंट 2019 एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बिफोर द आर आर बी एन टी पी सी। जैसा कि हम लोगों का कहना है कि आपको पता है कि ग्रुप डी का स्टेटस रिलीज किया जा चुका है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उनको मौका भी दिया गया था कंप्लेन करने का, और उस कंप्लेन का भी स्टेटस आ गया कि इनका कंप्लेन एक्सेप्ट हुआ, किनका कंप्लेन रिजेक्ट हुआ है। तो इनका भी यही कहना है, ये एक्सपेक्टेड है कि ग्रुप डी पहले होगा, उसके बाद आप लोगों का एन टी पी सी होगा। दिस मीन्स दैट द एन टी पी सी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड टेक प्लेस ओनली इन नवंबर और इन और दिसंबर। मतलब इनका ये कहना है कि यदि अगर ग्रुप डी पहले होता है तो आप लोगों का एन टी पी सी जो है कि या तो नवंबर में होगा या आप लोगों का दिसंबर में होगा। द आर आर बी हैड अर्लियर सेड दैट द डिटेल्स ऑफ द एग्जाम एंड आर आर बी एन टी पी सी एग्जाम 2019
The RRB had earlier said that the dates of the exam and RRB NTPC exam 2019 would be announced after the paramedical exam in committee. ठीक है, मतलब पहले भी RRB को ऑफिशियल से बात किया गया था, उनका कहना गया था कि पारामेडिकल का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जैसे कि आप लोग RRB NTPC के बारे में अनाउंसमेंट होगा. The results of the paramedical exam is expected to be revealed in the second week of September. ठीक है, तो उसे हालांकि इसका पैरामेडिकल का रिजल्ट आ चुका है, होपफुली आप लोगों का 12 तारीख को है, आज आप लोगों का 14 तारीख को है. दिस मींस वन कुड एक्सपेक्ट एन अपडेट ऑन द एनटीपीसी शॉर्टली आफ्टर दैट. मतलब इनका ये कहना है कि सेकंड वीक का जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होगा पैरामेडिकल का रिजल्ट का, उसके बाद एनटीपीसी का अपडेट आ सकता है. बिफोर रिलीजिंग द एग्जाम डेट्स द आरआरबी विल एक्टिवेट द एनटीपीसी एप्लीकेशन स्टेटस. ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम डेट रिलीज करने से पहले आरआरबी जो है एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज करेगा. Once this link is activated, candidates will be able to check if their applications are rejected or accepted. Okay. If the applications are accepted, the candidate will be allowed to appear in the examination. Obvious सी बात है, जब link activate हो जाएगा तो अपना application check कर पाएंगे, accept हुआ है reject हुआ है. यदि अगर accept होगा तभी आप exam दे पाएंगे. और ये जैसा कि group D में बहुत सारे student का form reject हुआ है, तो अभी से बहुत सारे छात्र डरे हुए हैं कि मेरा form accept होगा reject होगा. मैं बता देता हूँ friends, अभी मैं WhatsApp group बना रहा हूँ NTPC का, ठीक है, उसमें सभी कोई ज्वाइन हो जाना. और यदि अगर आप लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो सारे लोग पहले दिन से ही रेलवे को मेल, रेलवे को ट्वीट, सबको एक साथ करना, ठीक है, बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, पहले दिन से ही, पहले तुम जितना ज़्यादा हो सके. इसलिए मैं अभी से ही आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहा हूँ. द एग्जाम वुड हैव टू स्टेजेज, ACBT फॉलोड बाई ए स्किल टेस्ट. दिस वुड बी फॉलोड बाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अ मेडिकल एग्जामिनेशन. द एडमिट कार्ड वंस रिलीज्ड विल बी अवेलेबल ऑन द रीजनल वेबसाइट ऑफ द RRB. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, ये तो जनरल जानकारी है, सबको पता ही होगा. ओके, आगे अब कुछ नहीं है. ये एक छोटा सा अपडेट था फ्रेंड, कि मतलब कि अधिकारियों ने कहा है कि स्क्रूटनी जारी है, बहुत जल्दी इसके ऊपर वो लोग जो है सो कि आपको अपडेट करवा देंगे. ओके, तो यदि अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारा इंस्टा मोजो का ऑनलाइन स्टोर है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें फ्री वर्जन, पेड वर्जन सब कुछ अवेलेबल है. ओके, और अपनी तैयारी को जोड़ों पर रखें फ्रेंड्स. कभी भी जैसा कि आपने देखा होगा, RRBJEE का जो एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ था, सीधा मतलब कि नोटिस आया और एग्ज़ाम हो गया, तो बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलने वाला है. इसलिए अपनी तैयारी जोड़ों पर रखिएगा. ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और यदि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा. और आप चाहते हैं कि इस तरह के रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा. मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद, जय भारत.